सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होए के बाद पूरा देश में शोक व्याप्त है। लोगन अपन अपन स्तर में रक्षा प्रमुख ला श्रद्धांजलि दिए के संग अपन देश रक्षा बर शहीद होए में अपन कृतज्ञता व्यक्त करत है। प्रदेश के दूरस्थ जिला सूरजपुर के विकास खंड भैया थान के ग्राम जूर में घलो गाँव के वरिष्ठ दीप नारायण सिंह चौहान के संग ग्रामीण मन एक जगह जुड़िया के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होए सीडीएस जनरल विपिन रावत और ओकर पत्नी के संग हेलीकॉप्टर में सवार शहीद हुए जवान मन ला श्रद्धांजलि दीन। दूरस्थ अंचल के गांव भीतर घलो देश के प्रति सम्मान रखैया ग्रामीण मन द्वारा श्रद्धांजलि स्थल में लगाए गए भारत माता के जय और विपिन रावत अमर रहे के नारा ले पूरा गांव गूंज उठिस। ग्रामवासियों जूर के तरफ से तथा अपने तरफ से मैं हमारे सूरवीर भारत के प्रथम सुरक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन रावत जी को सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इन्हीं के बदौलत आज हमारे भारत देश का सेना सुजज्जित हुआ है। इनके अनेकों कारनामा जो है हमारे दिलों के अंदर है वो भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड का यह हीरा को अभी भारत का जरूरत था, लेकिन असमय उनका निधन हुआ और उनके साथ जो भी उनके सहयोगी थे सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का व्यवस्था किया जाए कि फिर कभी ऐसा दोबारा घटना नहीं हो, तथा मैं रावत जी के दोनों पुत्रियों को भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने पिता से बिछुड़ने का साहस प्रदान करें। जय भारत।